लोकसभा चुनावों के दौरान खास चर्चा में रहे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर के इस फैसले पर बिहार के लोगों की खास नजर है। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपने जन स्वराज अभियान को एक राजनीतिक दल के रूप में लाने की तैयारी कर ली है। प्रशांत किशोर जन स्वराज को एक पॉलिटिकल पार्टी में बदलने जा रहे हैं। इसके तहत 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई जन स्वराज पदयात्रा आने वाली 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप लेगी। ये फैसला 10 जून को पटना के ज्ञान भवन स्थित बापू सभागार में लिया गया। जन स्वराज संगठन से जुड़े हजारों लोगों ने इस एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। जन स्वराज के इस कार्यक्रम में कुल 3 प्रस्ताव लाए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने आम सहमति से तीनों प्रस्ताव को पारित किया। पहला प्रस्ताव लाया गया कि जन स्वराज को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कब घोषित किया जाए। इस पर सभी लोगों ने एक सुर में 2 अक्टूबर 2024 की तारीख तय की। दूसरा प्रस्ताव लाया गया कि जन स्वराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस प्रस्ताव पर भी सभी लोगों ने एक मत अपनी सहमति दर्ज कराई। तीसरा प्रस्ताव ये पारित किया गया कि जन स्वराज समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से संगठन और टिकट में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस पर सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को भी पारित किया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वराज आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। हर लोकसभा क्षेत्र के भीतर आने वाले एक विधानसभा सीट से कम एक महिला को जरूर चुनाव लड़वाया जाएगा। इस दौरान जन स्वराज के संविधान निर्माण के लिए बनाई गई समिति को संविधान निर्माण करने की स्वीकृति दी गई। पदाधिकारियों ने पार्टी के संविधान को लेकर सुझाव भी दिए। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज संगठन के पदाधिकारियों को बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर तक संगठन को ज्यादा मजबूत बनाने और घर घर जन स्वराज अभियान को सफल बनाने की अपील की। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पार्टी को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और आने वाले समय में इसका व्यापक असर भी दिखना शुरू हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।